नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। वक्त हो गया है 5 की आज का। मैं हूं अपर्णा मौजम। आज बात हाथरस वाले बाबा की, जिसके पाखंड का पर्दाफाश हो गया है। उधर मध्य प्रदेश में एटीएस ने एक बड़े आतंकी प्लान को फेल कर दिया। एक संदिग्ध आतंकी को पकड़ा है जो बड़े हमले की तैयारी में था। उधर बात करेंगे एमपी में मदरसों की भी, जिन पर एक बार फिर से सियासत शुरू हो चुकी है। अब बताएंगे कैसे छत्तीसगढ़ में एक कुआं लोगों की मौत का सबब बन गया। इन कुओं में 9 लोगों की मौत हो गई। लेकिन सबसे पहले बात हाथरस वाले बाबा की। तो 5 की 8 में सबसे पहले बात करते हैं हाथरस के पाखंडी बाबा की। यूपी के हाथरस में सत्संग के दौरान मची भगदड़ में एमपी की 2 महिलाओं की मौत हुई है। दोनों ही महिलाएं भोले बाबा के सत्संग में शामिल होने गई थी। पहली महिला ग्वालियर से सामने आई थी। अब मुरैना से भी एक महिला की हाथरस में मौत की जानकारी सामने आई है, जो बाबा का सत्संग सुनने के लिए हाथरस गई थी। महिला का नाम सोमवती बाई है, जिसकी सत्संग के दौरान मची भगदड़ में जान चली गई। सारसी गांव के निवासी 67 साल की सोमवती बाई का शव हाथरस प्रशासन ने एम्बुलेंस से उनके गाँव भेजा। ग्वालियर के मुरार की रहने वाली रामश्री भी सत्संग सुनने हाथरस गई थी, जहां मची भगदड़ में उनकी मौत हो गई। बता दें कि यूपी के हाथरस में भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि के सत्संग में मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एमपी की 2 महिलाएं भी शामिल हैं। हाथरस हादसे के बाद से बाबा सूरजपाल फरार है, लेकिन इसी बीच उनके प्रवचन का एक वीडियो सामने आया है। दावों के मुताबिक बाबा सूरजपाल इस वीडियो में खुद को भगवान बता रहा है और कह रहा है कि अगर आवश्यकता पड़ी तो वो प्रलय भी ला सकते हैं। हाथरस कांड में 121 लोगों की मौत के बाद बाबा नारायण हरि के खिलाफ लोगों में गुस्सा नजर आ रहा है। आज हाथरस में नाराज लोगों ने बाबा की तस्वीर पर चप्पलों की बरसात कर दी। कल तक जिन घरों में लोग उनकी पूजा करते थे, आज वही लोग उस तस्वीर को चप्पलों से पीट रहे हैं। लोगों का कहना है कि बाबा का भी एनकाउंटर हो, बाबा में कोई सिद्धि नहीं है, बाबा की तस्वीर अब कूड़ेदान में जाएगी। अब आपको बाबा सूरजपाल के मैनपुरी के आश्रम का ड्रोन वीडियो दिखाते हैं। ये ड्रोन विजुअल बाबा सूरजपाल के महल का है। देखिए कितना बड़ा साम्राज्य तैयार किया हुआ है। दावा किया जा रहा है कि बाबा के मैनपुरी आश्रम का ये वीडियो है, जहां पर बाबा के होने के दावे किए जा रहे हैं। ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीर में बाबा का आश्रम एक 5-स्टार होटल से कम दिखाई नहीं दे रहा। हाथरस की घटना के बाद बाबा इसी आश्रम में आया था। बाबा का ये आश्रम करोड़ों की लागत से बना हुआ है। आश्रम के अंदर शानदार और लग्जरी कमरे भी बने हुए हैं। उधर राहुल गांधी हाथरस पहुंचे। यहां राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। राहुल गांधी ने हाथरस में सत्संग के दौरान हुए हादसे के लिए प्रशासन की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया। राहुल के मुताबिक लोगों ने बताया कि पुलिस का इंतजाम नहीं था, साथ ही पीड़ित परिवार के लिए ज्यादा से ज्यादा मुआवजे की मांग की। राहुल गांधी ने पीड़ितों को जल्द से जल्द मुआवजे देने की मांग की है। हाथरस के विभव नगर के ग्रीन पार्क में राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और इस मुद्दे को लेकर संसद में आवाज उठाने की बात कही। बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफी लोगों की मृत्यु हुई है, तो दुख की बात है। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी, और गलतियां तो हुई हैं, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे जरूरी बात कि कॉम्पेंसेशन सही मिलना चाहिए, क्योंकि ये गरीब परिवार है और मुश्किल का समय है इनके लिए, तो कॉम्पेंसेशन ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूँ कि दिल खोल के कॉम्पेंसेशन करें। और अब बात करते हैं आतंकी प्लान की। एटीएस ने मध्य प्रदेश में आतंकियों के एक बड़े प्लान को फेल किया है। एटीएस ने एक आतंकी को खंडवा से पकड़ा है, जो सुरक्षा बलों पर हमला करने की प्लानिंग कर रहा था। इस बीच संदिग्ध आतंकी फैजान के परिवार ने एक बड़ा खुलासा किया है। एक सनक ने उसे आतंकी गतिविधियों के पास पहुंचा दिया। क्या था फैजान का वो, जो उस पर भूत सवार था उसके सर पर, क्या थी वो सनक, इस रिपोर्ट में देखिए।
फेल हुआ बड़ा आतंकी प्लान। एटीएस ने पकड़ा संदिग्ध आतंकी। संदिग्ध आतंक पर बड़ा खुलासा। फेमस होने की सनक ने बनाया आतंकी। हीरो बनने के चक्कर में रहता था। मध्य प्रदेश में एटीएस ने एक बड़े आतंकी प्लान को फेल कर दिया है। खंडवा से एक संदिग्ध आतंकी को एटीएस की टीम ने पकड़ा है। बताया जा रहा है कि आरोपी सुरक्षा बलों पर हमला करने का प्लान बना रहा था। वो लोन वुल्फ अटैक यानी अकेले ही हमला करने की साजिश रच रहा था। आतंकी के पकड़े जाने पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एमपी पुलिस को बधाई दी है। खंडवा पुलिस को, मध्य प्रदेश पुलिस को बधाई देना चाहूंगा। हमारी पुलिस चौकस चौकन्नी और सतर्क है। यही कारण है कि बड़ा आतंकवादी जिसके माध्यम से बड़ी संभावना थी, हमने चौकन्ने होकर के उसको न केवल अपने कब्जे में लिया बल्कि उसके साथ कई सारे साहित्य, कई सारी चीजें हैं। हम इससे जुड़ी भारत सरकार की सभी गुप्त एजेंसियों के संपर्क में भी आ गए हैं। हम उनको भी जानकारी दे रहे हैं कि इसके माध्यम से जो जो भी बड़े नेटवर्क अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, उससे भी जानकारी जुटाई जाए। जिस शख्स को एटीएस ने पकड़ा है उसका नाम फैजान शेख है, जो इंडियन मुजाहिदीन और आईएस की विचारधारा से प्रभावित था। अब इस पूरे मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। ये खुलासा खुद आरोपी फैजान के बड़े भाई ने किया है। वो सिर्फ हीरो बनने के चक्कर में रहता था, फेमस होने का था, और वो जिस तरह से मुस्कुराता और घर से गया है, उसने ये सोचा कि अब मेरा नाम अखबारों में छप जाएगा, अब मेरा मकसद पूरा हो गया। फैजान 8 क्लास तक पढ़ा था, सबसे कम घर में वही पढ़ा। 8वीं क्लास तक पढ़ाई और फेमस होने की उसकी सनक उसे आतंकियों के करीब ले गई। फैजान को लेकर एक और खुलासा हुआ है। फैजान ने सिमी आईएसआईएस से जुड़े खंडवा के ही रकीब की गिरफ्तारी के वक्त एसटीएफ का विरोध किया था। रकीब का संबंध हावड़ा में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने वाले मोहम्मद सद्दाम और सईद अहमद से थे। दोस्त थे कोई रकीब? हाँ, रकीब भाई जेल में बने। हाँ, जेल में। तो कश्मीर की बता दो किया था। कश्मीर की जानकारी नहीं है, कश्मीर की जानकारी नहीं है। शायद चला गया हो घूमने के हिसाब से, शायद गया हो, बाकी मेरे को नहीं पता है। लोगों से किससे जुड़ा ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं सुबह निकलता हूँ, दुकान जाता हूँ, शाम में आता हूँ। लेकिन हाँ, इसकी रिश्तेदार लोग इसकी स्टेटस वगैरह देखते थे, हमको कॉल करते थे, यार ये इसका स्टेटस क्यों ऐसा रखता है। फैजान को लेकर कई सवाल हैं। क्या सिर्फ फेमस होने के लिए फैजान ये सब कर रहा था, या फिर मंसूबे कुछ और ही थे? फिलहाल फैजान से पूछताछ जारी है। पूछताछ में कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। खंडवा से अमित जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से मदरसों को लेकर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी प्रदेश में मदरसा बोर्ड बनाने के खिलाफ है। इसको लेकर एक गैर सरकारी संकल्प लाने की बात कही है, जिस पर कांग्रेस विधायक आतिफ अकील भड़क गए। आतिफ अकील का कहना है कि मदरसा इनके लिए एक वायरस हो गया है, इसको बाहर निकालना पड़ेगा। मदरसों पर फिर गरमाई सियासत, अशासकीय संकल्प पर बढ़ी रार। मदरसों का वायरस निकालेंगे बाहर। शर्म आनी चाहिए सरकार को, और ये वायरस इन लोगों के दिमाग में जो घुसा हुआ है, इसको कहीं ना कहीं निकालना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में एक बार फिर मदरसों को लेकर सियासत गर्मा गई है। विधानसभा में मदरसों को लेकर बीजेपी विधायक अभिलाष पांडे ने अशासकीय संकल्प लाने की बात कही है। बीजेपी विधायक का कहना है कि देश में रहने वाले समाज के सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, अल्पसंख्यकों को समाज की मूल धारा में जोड़ना हमारा उद्देश्य है। देखिए, मैंने एक अशासकीय संकल्प जो संविधान की धारा 30 है उसके अंतर्गत जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट हैं उसके अंदर मैंने ये बात कही है, जो भी बच्चे ऐसे हैं जो मदरसों में पढ़ते हैं उन्हें हायर एजुकेशन के लिए 10th और 12th में ओपन से पढ़ाई करनी पड़ती है। मैं ये मानता हूं कि हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करते हैं,
हम समान एजुकेशन की बात करते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि माइनॉरिटी में रहने वाले भी वो बच्चे समान शिक्षा नीति के साथ वो पढ़ाई करें। बीजेपी के बयान पर कांग्रेस विधायक आतिफ अकील भड़क गए। आतिफ अकील का कहना है इस वायरस को बाहर निकालना पड़ेगा। मेरा सवाल है, लेके सीधे सीधे मदरसों पे आ जाते हैं, मासूम बच्चे जहाँ पढ़ते हैं जिनको खाने पीने का सही तरीके से सुविधा नहीं हो पाती, उसके लिए उनके जो मदरसे के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो चंदा करके उन लोगों का जीवन यापन कराते हैं, उनको पढ़ाते हैं लिखाते हैं। शर्म आनी चाहिए सरकार को, और ये वायरस इन लोगों के दिमाग में जो घुसा हुआ है इसको कहीं ना कहीं निकालना पड़ेगा। उधर पूर्व मंत्री उषा ठाकुर का कहना है कि आयोग की जांच में कई मदरसे बिना अनुमति के संचालित पाए गए। मदरसों पर मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी से कनेक्शन के भी आरोप लगाए गए। ऐसे में मदरसा बोर्ड की अनुमति नहीं मिल सकती है। मदरसे पिछली बार जब हमारे आयोग ने उनका निरीक्षण परीक्षण किया तो पाया कि छोटे छोटे कमरों में 10x10 8x10 के कमरों में 30-30 40-40 बच्चे हैं, और ये वो मदरसे थे जिन्हें ना मदरसा बोर्ड से अनुमति थी और ना ही शिक्षा विभाग से अनुमति थी। तो ऐसे बगैर अनुमति के जो मदरसों में बच्चे पाए गए तो कहीं ना कहीं मानव तस्करी बंधुआ मजदूरी का संकेत मिलता है। बच्चे राष्ट्र की धरोहर हैं, उनका जीवन सुरक्षित हो, उन्हें राष्ट्रवादिता से जोड़ा जाए, ये किसी भी सरकार की पहली शर्त है और उसी के दिशा में ये कदम है। फिलहाल मध्य प्रदेश में एक बार फिर मदरसों को लेकर सियासत शुरू हो गई है। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। अब बात करते हैं मौत के कुओं की। कोरबा और जांजगीर चांपा में ये मामले सामने आए हैं। कोरबा में कुएं में गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कुएं में गिरे शख्स को बचाने के चक्कर में 3 और लोगों की जान चली गई। पिता को बचाने उतरी बेटी और इन दोनों को ही बचाने के लिए कुएं में उतरे 2 पड़ोसियों की मौत हो गई। उधर जांजगीर चांपा में भी इसी तरह का मामला सामने आया है, जहां कुएं में गिरी लकड़ी को उठाने के चक्कर में एक शख्स कुएं में उतरा और वो बाहर नहीं आया तो उसके पीछे गए 4 अन्य लोगों की भी मौत हो गई। मौत की वजह जहरीली गैस बताई जा रही है। जांजगीर चांपा में दर्दनाक हादसा हो गया। यहां 4 लोग एक व्यक्ति को कुएं से निकालने के लिए उसमें कूदे, जिसमें 5 लोगों की जहरीली गैस से मौत हो गई। हादसा जांजगीर के किकिरदा में हुआ। बताया जा रहा है एक व्यक्ति कुएं से लकड़ी निकालने के लिए उतरा था, लेकिन काफी समय के बाद भी वो बाहर नहीं निकला, जिसके बाद उसे बचाने के लिए एक के बाद एक 4 लोग और कुएं में उतर गए। ये बिर्रा थाना क्षेत्र में किकिरदा गांव है, जहां रामचंद्र जायसवाल जी की बाड़ी में उनका एक रिंग कुआं था, जिस रिंग कुएं में आज सवेरे वे अपनी पटिया लकड़ी की गिर गई थी, इसको निकालने के लिए उतरे थे। जब वो काफ़ी देर तक बाहर नहीं आए तो उनकी पत्नी ने आवाज़ लगाई, जिसमें उनके घर के सामने रहने वाले रमेश पटेल जी और उनके 2 पुत्र एवं एक टिकेश्वर चंद्रा, वे भी कुएं में उतरे, लेकिन अंदर अज्ञात कारणवश वे सब कोई बाहर नहीं आए, उनकी डेथ हो गई है कुएं के अंदर। एक शख्स और भी कुएं में उतर गया था, लेकिन उसकी सांस फूलने लगी तो वो वापस आ गया, यानी कुएं में जहरीली गैस थी, जिससे लोगों की मौत हुई, ऐसा चश्मदीदों का कहना है। एक आदमी जो टिकेश्वर चंद्र है वो, और मैं, वो पहले उतर टिकेश्वर चंद्र, फिर उसके बाद मुझे भी बुलाया, मैं भी गया, फिर मैं आधा रास्ता में गया तो मेरे सांस फूलने लगा, तो उसको भी बोला कि चलो ऊपर आ जाओ, तब उन्होंने बोला कि मैं पकड़ लिया हूँ बस, पर मैं ऊपर आ गया भाई, बस इतना ही जानता हूँ। हादसे को लेकर सीएम विष्णुदेव साहे ने दुख जताया है। सीएम ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, जांजगीर के ग्राम किकिरदा में हुए कुएं हादसे से 5 ग्रामीणों की मौत की खबर अत्यंत ही दुखद है। ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति और सुख संतत परिजनों को इस असीम दुख को सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूँ। एसडीआरएफ की टीम ने 5 शवों को रेस्क्यू कर कुएं से बाहर निकाल लिया है। फिलहाल
पुलिस मामले की जांच कर रही है। जहांगीर चांपा से कैलाश कश्यप, न्यूज 18। राजधानी भोपाल में कई रूटों पर चलने वाली 149 लो फ्लोर बसों के पहिए गुरुवार को अचानक फिर थम गए। बताया जा रहा है कि टिकट राशि को लेकर टिकट एजेंसी और बस ऑपरेटर के बीच मतभेद हो गया। टिकट एजेंसी चलो ऐप ने प्रति किलोमीटर दी जाने वाली राशि को कम करने की मांग की है। इसके चलते बस ऑपरेटर ने बसेस को डिपो से नहीं निकाला। बस बंद होने के कारण लोगों को परेशान होना पड़ा। राजधानी भोपाल के 149 लो फ्लोर बसों के पहिए थम चुके हैं। उसके पीछे कारण बताया जा रहा है कि BCCL और चलो ऐप के बीच प्रति किलोमीटर का जो रेट तय किए जा रहे हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं तकरार है। BCCL ये चाहता है कि रेट उसको अधिक मिले, लेकिन चलो ऐप ने इस प्रति किलोमीटर के रेट में कमी करने की बात कही और उसके बाद कल से ही इन बसों के पहिए लगातार थमे हुए हैं। आप डिपो में हैं, तस्वीरें सीधे तौर पर देख पा रहे हैं कि ये डिपो में बसें जो है वो थमी हुई हैं और लगातार जो बसों के पहिए थमे उससे भोपाल वासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि राजधानी भोपाल के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो यह बेहद महत्वपूर्ण जो सेवा है इसके तहत जो लोग हैं अपने घर से ऑफिस और ऑफिस से दूसरे कामों के लिए रवाना होते हैं, लेकिन जिस तरीके से इन महत्वपूर्ण जो सेवा है उसके जब पहिए थम गए हैं तो लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वैकल्पिक व्यवस्थाएं जो है वो तलाशनी पड़ रही है। हालांकि कल से लगातार BCCL और चलो ऐप के बीच में बातचीत का दौर जारी है। अब देखना होगा कब इन दोनों संस्थानों के बीच में बातचीत बन पाती है, उसके बाद भोपाल वासियों को एक राहत की खबर मिले कि BCCL की जो बसें हैं वो वापस से सड़कों पर नजर आए। कैमरामैन अजय तंवर के साथ सैलन सिंह, न्यूज 18 भोपाल। भिंड की बात करते हैं, जब बदमाशों के हौसले बड़े हुए हैं रंगदारी को लेकर पेट्रोल पंप पर फायरिंग का मामला सामने आया है जिसमें गोली लगने से दो लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बाइक पर सवार चार लोग पेट्रोल पंप पर आए, बदमाशों ने हथियार दिखाए, हथियारों के दम पर कर्मचारियों के साथ मारपीट की और साथ ही फायरिंग की। इसकी पूरी वारदात जो है वो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरह बदमाश हाथ में हथियार लेकर पहुंचते हैं और पेट्रोल पंप पर काम करने वाले कर्मचारियों को डराया धमकाया गया और फिर उनके साथ मारपीट की गई। ये पूरा मामला बरोही थाना क्षेत्र का है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।